केएसएल 9 के टॉप 5 ऑलराउंडर दोस्तों कौन होने वाले वो बंदे जो बैटिंग में भी कमाल दिखाते हैं और बॉलिंग में भी कमाल दिखाते हैं। दोस्तों चलते हैं, शुरू करते हैं नंबर 5 से। दोस्तों नंबर 5 पर है ये बंदा पाकिस्तान टीम से बाहर है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेलता है ये बंदा, खुशदिल शाह। दोस्तों जारी तौर पर मुझे ये बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मैच बहुत खूबसूरत तरीके से फिनिश करता है। दोस्तों जिस तरह ये बंदा बैटिंग खूबसूरत करता है, इस तरह बॉलिंग भी बहुत कमाल का करता है। दोस्तों पिछली सीजन में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना खूबसूरत बॉलिंग का मुजाहिरा किया था। दोस्तों नंबर 5 पर रखने के लायक है कि नहीं, दोस्तों आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और नंबर 4 पर हो जाएंगे शाहीन शाह अफरीदी। दोस्तों ये बंदा इंटरनेशनल में बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर सकता है, लेकिन पीएसएल में बंदा तबाही मचाता है। आप लोगों ने देखा होगा पिछली सीजन में कितना खूबसूरत बैटिंग का मुजाहिरा किया था, और बॉलिंग का तो आप सबको ये पता है कि एगल जो है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है आजकल के ज़माने का। तो दोस्तों नंबर 4 पर रखने के लायक ज़रूर है। फिर तीसरे नंबर पर हो जाएंगे इस्लामाबाद वालों के शहजादा राणा जी फहीम। बंदा पाकिस्तान टीम से बाहर है, लेकिन पीएसएल में बहुत अच्छा खेलता है। इस्लामाबाद वालों के साथ इसका बहुत ज़्यादा कदर है और बहुत ज़्यादा अच्छा ख्याल रखता है राणा जी का। और नंबर 2 पर होने वाले हैं लाहौर कलंदर वालों का शान आन बान तान और सब कुछ वेजा बाई। दोस्तों ये बंदा जितना खूबसूरत बैटिंग खेलता है, उतना इसका बॉलिंग भी खतरनाक है। दोस्तों बैट पकड़ता है हैंडल के सर में और चक्का लगाना उसके बाई हाथ का काम। तो नंबर 2 पर रखने का लायक जरूर है। तो नंबर 1 पर कौन है जो इन सबसे खतरनाक है? तो दोस्तों नंबर 1 पर है हमारा आपका सारे पाकिस्तान का बड़ों का छोटों का चाचू इफ्तिखार अहमद। तो भाई हम बाकी इसके ऊपर बात नहीं करते, क्योंकि आप सबको चाचा का पता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।